आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन ओपन कास्ट माइंस मीनस ओपन कास्ट माइंस में प्रकाश के मानक शुरू करने से पहले उनमें आने वाले कुछ शब्दों को जान लेते हैं जैसे कि यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज लक्स और दो वर्ड है पहला है हॉरिजेंटल और दूसरा है वर्टिकल अगर बल्ब को ऊपर की तरफ लगाएंगे या फिर टावर में तो वो प्रकाश को ज़मीन की तरफ वर्टिकली बिखेरेगी और अगर बल्ब को साइड में लगाएंगे तो वो प्रकाश को हॉरिजेंटली बिखरेगी जैसा अगर आप समझना चाहें तो इसे समझ सकते हैं कि अगर बल्ब को ऊपर छत में या फिर सेलिंग पे लगाते हैं तो वो प्रकाश को ज़मीन पर भर्टिकली बिखरेगी और अगर बल्ब को साइड की दीवार की ओर लगाते हैं तो वो प्रकाश को हॉर्जेंटली बिखेरेगी इस टॉपिक से पिछले वर्ष भी दो प्रश्न पूछे गए थे पहला था एल्यूमिनेशन सर्वे कब किया जाता है एटलीस्ट इन एवरी मंथ प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार और दूसरा प्रश्न था फर्स्ट एड स्टेशन में एल्यूमिनेशन कितना होगा चलिए शुरू करते हैं वर्किंग प्लेस ऑफ हैवी मशीनरी मीन्स भारी मशीनरी के कार्यस्थल पर प्रकाश कम से कम पंद्रह लक्षजेंटल और पच्चीस लक्ष वर्टिकल होना चाहिए नेक्स्ट है ड्रिलिंग ऑपरेशन जहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाएगा पहला एरिया वेयर ड्रिलिंग रीग वर्कस जहाँ पे ड्रिल मशीन द्वारा ड्रिलिंग किया जा रहा है वहाँ पर पच्चीस लक्ष वर्टिकली होना चाहिए दूसरा है एरिया वेयर ड्रिल होल्स एग्जिस्ट मींस जहाँ पर ड्रिल हो चुका है और होल मौजूद है वहाँ पर पंद्रह लाख हॉरीजेंटल होना चाहिए नेक्स्ट है प्लेस वेयर मैनुअल वर्क इज़ डन मीन्स जहाँ पर मैनुअली कार्य किया जा रहा हो वहाँ पर इल्यूमिनेशन फिफ्टीन लाख हॉरीजेंटल और ट्वेंटी फाइव लाख वर्टिकल होना चाहिए और नेक्स्ट है ऑपरेटर्स कैबिंस ऑफ मशीन्स और मेकनिज्म मतलब किसी भी मशीनरी के ऑपरेटर के कैबिन में लगभग फिफ्टी लक्स ओरजेंटल होना चाहिए नेक्स्ट है प्लेस वेयर लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसफ़र अनलोडिंग ऑफ डंपर्स, ट्रक्स और ट्रेन इज कैरीड ऑन इंक्लूडिंग ओबी डम्प एंड कॉल स्टेक यार्ड मीन्स ओ बी डम्प या कॉल जिस जगह पर लोडिंग अनलोडिंग या ट्रांसफ़र किया जाता है और डम्पर ट्रक या ट्रेन में लोड किया जाता है वहाँ पर इल्यूमिनेशन पंद्रह लाख औरजेंटल और पंद्रह लाख वर्टिकल होगा नेक्स्ट है हॉल रोड फॉर ट्रक्स एंड डम्फर्स डम्फर और ट्रक के चलने के लिए जो हॉल रोड बनाया गया वहाँ पर इल्यूमिनेशन दस लाख औरजेंटल होंगे और रेल हॉल ट्रैक पिट ओपन कास्ट में अगर वही लोडिंग आसपास में लोडिंग के लिए रेल हॉलेज बनाया गया होंगे वहाँ पर इल्यूमिनेशन दस लाख औरजेंटल होंगे और रोडवे एंड फुटपाथ्स फॉर बेंच टू बेंच एक बेंच से दूसरे बेंच के बीच में अगर रोडवे या फिर फुटपाथ बनाया गया तो वहाँ पर दस लक्ष औरिजेंटल होगा और परमानेंट पाथ्स फॉर यूज ऑफ पर्सन इन एम्प्लॉयड मतलब वहाँ के लोगों को आने जाने के लिए जो परमानेंट रास्ता बनाया गया है वहाँ पर भी दस लक्ष औरिजेंटल इल्यूमिनेशन होगा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं किसी भी तरह का हॉल रोड रोडवे या फिर फुटपाथ या फिर परमानेंट पाथवे जो किसी भी तरह का रास्ता या रोडवे हो या फिर रेल हॉलेज हो वहाँ पर इल्यूमिनेशन दस लक्स हॉरिजेंटल ही है ये आपको याद करने में सुविधा होगा नेक्स्ट है कन्वेयर्स मीन्स बेल्ट कन्वेयर्स ए ट्रांसफ़र पॉइंट्स एंड ड्राइव टेल इंड एरिया मीन्स बेल्ट कन्वेयर के दोनों किनारों पर जहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर उसका जो इंड एरिया है वहाँ पर इल्यूमिनेशन लगभग चालीस लाख ओरिजेंटल होगा बी अलोंग कन्वेयर्स मतलब कन्वेयर पूरा जहाँ तक बिछाया हुआ है उसके पूरे रास्तों पर लगभग इल्यूमिनेशन बीस लाख औरजेंटल होगा नेक्स्ट है सी एच पी कोल्ड हैंडलिंग places of crushing, screening, segregation and loading and unloading means ऐसे जगहों पर जहाँ पर कोयला क्रस किया जाता हो उसे स्क्रीनिंग किया जाता हो और छोटे छोटे भागों में उसे अलग किया जाता हो इम्प्योरिटी से ऐसे जगहों पर इल्यूमिनेशन चालीस लाख औरिजेंटल होगा बी ऑपरेशन पॉइंट्स ऑपरेशन पॉइंट्स में इल्यूमिनेशन पचास लाख औरिजेंटल होगा और सी अदर प्लेसेस सामान्य जगहों पर इल्यूमिनेशन बीस लाख औरजेंटल होगा नेक्स्ट है रेस्ट सेल्टर पर इल्यूमिनेशन तीस लक्ष औरटल होना चाहिए और पंपिंग स्टेशन में कम से कम चालीस लाख औरजेंटल होना चाहिए और फर्स्ट एड स्टेशन में इल्यूमिनेशन कम से कम पचास लाख औरजेंटल होना चाहिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में इल्यूमिनेशन लगभग एक सौ लक्ष अर्जेंटल होना चाहिए और पचास लाख वर्टिकल होना चाहिए और ऐसे दूसरे जगहों पर जहां पर इलेक्ट्रिकल अप्रेटस या इक्विपमेंट प्रयोग किए जाते हैं वहां पर इल्यूमिनेशन लगभग बीस लाख औरजेंटल होना चाहिए और बीस लाख वर्टिकल होना चाहिए नेक्स्ट है वर्कशॉप वर्कशॉप में इल्यूमिनेशन लगभग एक सौ लाख औरजेंटल और पचास लाख वर्टिकल होना चाहिए और पार्किंग यार्ड में इल्यूमिनेशन कम से कम पचास लाख औरजेंटल होना चाहिए नेक्स्ट है इनपीट क्रशर फीडर ब्रेकर अगर ओपन कास्ट में अगर क्रशर फीडर और ब्रेकर लगाया गया है तो वहाँ पर एल्यूमिनेसन फोटालीस लाख औरजेंटल होना चाहिए और हैंड पेकिंग पॉइंट्स पर वहाँ पर पचास लाख ओरिजेंटल होना चाहिए नेक्स्ट है मैनेजर द्वारा लिखित किसी अन्य सामान्य वर्किंग क्षेत्र पर इल्यूमिनेशन लगभग दस लाख ओरिजेंटल होना चाहिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू